नमस्कार, मैं हूँ भूपेंद्र पथरिया, आप देख रहे हैं बाई टी मीडिया। मैं हूँ इस टाइम पे शशि कोल्ड याकूतगंज में। आज बसंत पंचमी है, तो सबसे पहले तो आप सभी को बसंत पंचमी की हार्दिक शुभकामनाएं। और आज से जो है फरुखाबाद में कोल्ड स्टोर के उद्घाटन हो गए हैं। कुछ कोल्डों के हुए हैं, शशि कोल्ड स्टोर का हुआ है और तीन चार कोल्ड के और भी उद्घाटन हुए हैं। ये आप लोग किसान लोग हैं भैया क्या? कहाँ से हैं? अच्छा, रंगाई। अच्छा, तो आलू कब से कोल्ड स्टोर में डालना शुरू करोगे आप लोग? अच्छा, तो अभी किसानों का नहीं आ रहा होगा ना? नहीं, मैं किसानों का नहीं आ रहा अभी, तो ये व्यापार का ये है। अच्छा, अभी व्यापारियों का ही पड़ रहा है सब? व्यापारी नहीं, किसानों का आ रहा है, लेकिन व्यापारी ज्यादा आ रहा है। अभी पके कहाँ है आलू इतने? नहीं, पके लगे, जो लोग पीछे पड़ के डाल ले, पीछे पहुंचे। तो किसान भी इतनी जल्दी क्या है कि मतलब पीछे डाल के और जल्दी पका के जल्दी डाल दे? लगाने के लिए तैयार है। और गेहूँ तो बहुत कम कर दिया है, मक्का है। गेहूँ का तो टाइम खत्म हो गया ना, गेहूँ का टाइम खत्म हो गया। प्याज भी चल रही खेती। अच्छा, क्या नाम है भैया आपका? मुश्ताक खान। चलो देखते हैं, आगे भी देखते हैं। और आलू के बड़े व्यापारी हैं। अरे बहुत बढ़िया बात है, बहुत बढ़िया। ये तो तभी तो कोल्ड स्टोर में आए हैं, वैसे क्यों आते? ये आज मुहूर्त है कोल्ड का। शशि कोल्ड स्टोर लोडिंग जो है होगी अब। शशि कोल्ड स्टोर कानपुर रेड याकूतगंज, इधर बरामदे में पैकेट आ भी चुके हैं, इधर अनलोडिंग हो रही है। इधर आ भैया लाला जी, ये हैं हमारे साथ डीपी लाला, शशि कोल्ड स्टोर के मालिक। तो आज से मुहूर्त हो गया है जी? अच्छा, तो मतलब ऐसा नहीं लग रहा है मुहूर्त जल्दी है, जैसे आलू की फसल अपने यहाँ लेट थी? आलू इतना बढ़िया तैयार नहीं है, लेकिन किसान जा रहा है तो क्या करेगा। मुहूर्त उसी मतलब इसी डेट में करते हैं हमेशा? हाँ, क्या क्योंकि मुहूर्त तो ठीक है, लेकिन मौसम की वजह से थोड़ा आलू लेट है। हाँ, आलू लेट, वही आलू लेट गड़ाई हुई थी, नवंबर में आलू गड़े हैं, तो वो हिसाब से बारिश हो जाती है, इसकी वजह से और लेट हो गया। तो वो हिसाब से मुझे लगा कि मुहूर्त जो है इस बार लेट होंगे थोड़े बहुत। हाँ। लेकिन मुहूर्त मतलब उसी टाइम से हो गए। आज कितने मुहूर्त हो गए होंगे लगभग कोल्ड स्टोर के अपने फरुखाबाद? तीन कोल्डों की तो हमें जानकारी है। हाँ। कृष्णा कोल्ड और श्री सन्नू बाबू का, चंद्रा कोल्ड और अपने कोल्ड की। अच्छा, तीन की तो हमको जानकारी है, तीन की जानकारी है, बाकी और भी हुए होंगे। आज अपने यहाँ बसंत पंचमी से ही मतलब फर्स्ट ओपनिंग होती है? बसंत पंचमी से कोई मतलब नहीं है। हाँ। मतलब वही फरवरी के फर्स्ट वीक में, फरवरी के फर्स्ट वीक में हो जाती है। तो बहुत दिखा दिया हम सब, घुमाया यार। तो मतलब इस बार जो भाड़े वगैरह हैं कोल्ड स्टोर के, कुछ ऊपर नीचे हुए हैं या वही? नहीं, वही पिछले साल वाले। क्या भाड़ा रखा गया है? 225 रुपए क्विंटल। 225 रुपए क्विंटल, पिछली साल भी यही था जी। पिछली साल बड़े हुए भाड़े थे ना कि? हाँ, इससे पहले 215 था, पिछली साल 225 हुआ। पिछली साल बड़े थे, इस साल कोई नहीं बड़े हुए? अच्छा, तो ये मतलब बिद उसके हैं ना, मतलब बिल पल्लेदारी वगैरह सब लोडिंग वोडिंग? अच्छा, इसमें अलग से खर्चा? अलग कुछ नहीं। कहीं कहीं ऐसा जैसे फरुखाबाद में क्या होता है, मतलब जैसे 25 है तो वो 15 लेते हैं, 215 लेते हैं, लेकिन उसमें जो पल्लेदारी का खर्चा वगैरह जो है वो सब अलग हो जाता है उनका? अच्छा, तो इसमें बिद खर्चे के है ये? तो लोडिंग आज से मतलब स्टार्ट हो जाएगी? अच्छा, ये जो कच्चे आलू अभी आ रहे हैं, जो सब अभी मतलब उतने पके नहीं है, कच्चे ही है, आदमी लग रहा है कि आगे और तेज हो जाएगा इसलिए कच्चे ले रहे, मतलब ये लग रहा है और तेज हो जाएगा इसलिए कच्चे ले रहे हैं भाई। तो मुझे ऐसा लगा कि मतलब जितने कच्चे आलू ले रहे हैं, आलू अभी तो कोल्ड लाइफ हुए नहीं है, ये मई जून में निकालना पड़ेगा, जल्दी निकालना पड़ेगा, खराब हो जाएगा। अच्छा, बरसात में खराब हो जाएगी। तो अभी किसान तो नहीं ला रहा होगा आलू? अभी किसान नहीं, किसान कम है। किसान तो पका मतलब जब हो जाएगा, किसान उसका सिर्फ बीजा है। बीजा? हाँ, जो लोग अभी जो छट्टा लेके जा रहे हैं तो उसका जो बीजा है, जो
तो बीजा वो सर्वाइव कर जाएगा ना अभी? बीजा में कोई दिक्कत नहीं होती है। अच्छा, ये किसान सब लोग कहाँ से हैं भाई? बताओ तो कहाँ से हो? अरे ग्राम गड़ाखेरे से हैं। गड़ाखेरे वाले, ये मेदिया वाले हैं। और आप लोग कहाँ से? द्वारिकापुर से। द्वारिकापुर, आलू तो मतलब यही कोलम डालते हो क्या? और पीछे लोग कहाँ से हैं आप लोग? महमदपुर, चमजापुर के पास। अच्छा, और इधर आप लोग कहाँ से हैं? रंगाई, रंगाई के लोग अभी आप तुम्हारे एक व्यापारी मिले थे रंगाई के, सबसे गेट पे वो ही मिल गए मुझे। हाँ, मुस्ताक वो ही मिल गए। इधर आप लोग कहाँ से भाई? चौसपुर। अच्छा, आपका एरिया यही है मतलब चौसापुर, मेदिया, गड़ाघेरे, रंगाई, भूलनपुर, कुंदन गणेशपुर। अच्छा, तो अभी कोई किसान लाए कोई कोल्ड स्टोर में आलू आज? ये राजेश जी हैं, आलू आरती हैं ये, और मेदिया के बबलू भी है। अरे बबलू भी हैं यार, ये बबलू जी हैं, गड़ाघेरे के आलू आरती हैं। इधर आ जाओ। और कौन कौन है भैया? क्या नाम है भैया अपना? भैया अनिल कुमार गुप्ता है, सिरोली के। अच्छा, अनिल कुमार गुप्ता जी सिरोली, व्यापारी आलू के जी। अच्छा, तो आज अब क्या आपने लोडिंग मतलब आपने खरीदना चालू? खरीदना। अच्छा, चालू है। कच्चे आलू सरवाइव करेंगे अभी? नहीं, कच्चे नहीं, अभी थोड़ा मजबूत है वही ले रहे हैं। अच्छा, मजबूत तो भी कम ही है मतलब, जबरदस्ती तो है ही, गैर तो है ही, फरुखाबाद को जो तो है ही। थोड़ा ज्यादा जल्दी है, ज्यादा जल्दी की कोई वजह है ऐसी कि मतलब क्यों? नहीं, ये तो एक अफवाह है कि हाँ बंगाल में कम है, कि कहीं पंजाब में कम है, कि बिहार में कम है, इसी में ये लोग कूद पड़े और क्या। अच्छा, और कोई मतलब यही लग रहा है लोगों को मतलब आलू आगे तेज हो सकता है इस वजह से, मतलब इसी वजह से लोग लेने लगे वही, मतलब बहुत कच्चा आलू है अभी और खरीद काफी हो रही है कोल्ड स्टोर की, मंडी का कम से कम 20% आलू कोल्ड स्टोर में जा रहा है। ये आए पृथुपुर से, पृथुपुर मेदिया किसान है ये? किसान है, किसान। अच्छा अच्छा, आलू क्या मतलब कोल्ड स्टोर में लाए हो आज की? नहीं लाए हो? आज तो नहीं लाए। अच्छा, अभी अभी तो खुदाई भी नहीं चालू करी होगी आप लोगों ने? सूख जाए फिर आने लगेगा। नहीं तो किसान इतनी जल्दी नहीं करेगा, वो तो खेत जब सूखा हुआ बिल्कुल पका आलू तभी लेके आएगा। मंडी में इक्का दुक्का ट्राली सूखी मिल जाती है तो ले लेते हैं। अच्छा, अपना कोल्ड में रख देते हैं। सूखा क्या, ये रोज पानी बरस जाता है तो सूखे कहाँ से? कहीं 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 बारिश ज्यादा है, कहीं कम है। हाँ, बारिश कहीं कहीं कम ज्यादा है, और थोड़ा सा मतलब वो मिल जाए, थोड़ी सी मतलब धूप वगैरह मिल जाए तो थोड़ा सा मजबूत हो जाए ये छिलका, जो अभी कमजोर है ये मजबूत हो जाएगा। लेकिन आलू तो मजबूत है लेकिन सूखने को रह गया, अभी आलू खुदाई नम है, गीला आलू रखने में दिक्कत होती जी। और बबलू जी आज क्या भाव करके आए मंडी में? 750। अच्छा, आज ऊपर से ऊपर क्या रेट बिके हैं? 750। 850। अरे मुझे मिला था 800 वाला भी आज, 800 मिला, छट्टा था। गड्ड 750 भी, आपके गांव वाले ही थे हमारे व्यापारी ने 771 गड्ड लिया। 771 क्या मतलब, 750 तो गड्ड बिके आमतौर पे बिके, सुबह सुबह कुछ ऊपर बिक गए थे क्या? हाँ, सुबह जो है ऊपर बिक गए, फिर थोड़ा गीला हो गया। अच्छा, तो क्या लग रहा है बाजार बने रहेंगे ऐसे कि नहीं? बाजार सोमवार को टूटेगा। आज मतलब बाद में डिमांड कम हो गई थोड़ी सी। आलू कोल्ड स्टोर में आ ही रहा है ये, देखो एक ट्रैक्टर अभी गया, एक मिनट, और ये तीन चार ट्रैक्टर खाली हो चुके हैं, और बाकी ये बरामदों में आ चुका है, ये लोडिंग भी चालू हो गई है। और अरे अभी तक कितने पैकेट आ चुके होंगे, कितने हजार पैकेट आ गए होंगे? 10,000 पैकेट आ गया। अच्छा भाई, तो हमने ये सवाल रह गया था, पूछा ही नहीं था कि मतलब कितने पैकेट आ गए होंगे, तो 10,000 के आसपास आ गए हैं। और
लोडिंग तो ये बाद में ही होगा ना, ये थोड़े दिन रख के। अच्छा चालू, मुझे लगा कि शायद बरामदे में थोड़े दिन रोक के इसके बाद करेंगे। नहीं नहीं, बरामदे रोकेंगे। अच्छा बरामदे में जगह ले उतारेंगे कहाँ। अच्छा अच्छा, मतलब साथ के साथ लोड करते जाएंगे। नहीं, लोड कर चुके हैं। हाँ, लोड कर चुके हैं और ये बाकी आए हुए भी मतलब साथ के साथ लोड हो जाएंगे। कल लोड कराएंगे। अच्छा चलिए ठीक है साहब, बहुत बहुत धन्यवाद आपका, आपका दिन शुभ रहे।